हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नी देवी, बिहार फूड रेसिपी चैनल में सभी का स्वागत है। आप सब कभी कैसे हैं दोस्तों? मैं आज देखिए मैं गुड़ का गट्टा बनाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बोल रहे हैं गुड़ का गट्टा बनाने के लिए कि मम्मी गुड़ का गट्टा बनाओ, इसलिए देखिए मैं 300 ग्राम गुड़ ली हूँ और चलती हूँ मैं गुड़ का गट्टा बनाने। सबसे पहले मैं देखिए ये एक छोटा सा थाली ले ली हूँ, इसमें मैं तेल लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं थाली में तेल ले ली हूँ और इस तरह से तेल को थाली में फैला देती हूँ। देखिए इस तरह से पूरे थाली में मैं तेल लगा देती हूँ और फिर चलती हूँ गट्टा बनाने। और अब देखिए मैं चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और आग को जला ली हूँ और कढ़ाई मेरा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी गुड़ गट्टा बनाने के लिए। और देखिए अब मैं कढ़ाई में गुड़ को डाल देती हूँ और धीमी आंच पे इसको पिघलाती हूँ। उसके आगे मैं दिखाती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मेरा मीठा जो है घुल गया है और इसको अब हम पकाना है हमें, और पकाएंगे और बीच बीच में चेक करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से चेक करना है कि मेरा गट्टा कैसे रेडी होगा कितने देर में, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं इसको 1-2 मिनट पका लेती हूँ, उसके बाद चेक करूँगी। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पानी में डालकर चेक करना है। देखिए ये एक कटोरा में मैं पानी ले ली हूँ, इसको इस तरह से डालकर और ऐसे चेक करना है। देखिए ये मेरा अभी थोड़ा नरम है, गीला टाइप का है, ये भी और पकेगा। इसको थोड़ा देर के लिए और पका लेती हूँ। उसके बाद फिर चेक करूँगी, थोड़ा देर और पका लेती हूँ, 1-2 मिनट। और देखिए दोस्तों, इसको फिर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ऐसे पानी में डालकर। देखिए ये मेरा अभी भी थोड़ा गीला जैसा है, इसको और पकाती हूँ, थोड़ा देर और पकेगा। देखिए इसको 1 मिनट और पका लेती हूँ और उसके आगे मैं दिखाती हूँ। और देखिए दोस्तों, एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ इस तरह से। देखिए ये मेरा अभी भी थोड़ा गीला लग रहा है। और देखिए मेरा अब लग रहा है कि गट्टा रेडी हो गया है, इसको एक बार और चेक कर लेती हूँ। देखिए और ये मेरा गट्टा जो है अब एकदम रेडी हो गया है। देखिए एकदम कुरकुरा हो गया है। और अब इसमें मैं खाने वाला सोडा है जो, तो इसमें हल्का डाल देती हूँ और डाल कर मिक्स कर देती हूँ। देखिए ज़्यादा नहीं चलाना है इसको,
अब मेरा हो गया है दोस्तों, अब मैं गैस को बंद करती हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं इस प्लेट में मैं अपने गट्टे को सेट होने के लिए पलट लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैं प्लेट में इस तरह से सेट होने के लिए पलट ली हूँ और कढ़ाई को साइड रख लेती हूँ और इस पे और देखिए इस पे मैं ये मेरा नारियल का बुरादा है जिससे मैं गार्निश कर देती हूँ। इस तरह से और मेरा सेट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आगे दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, ये मेरा मीठा का जो गट्टा है जो बहुत अच्छे से सेट हो गया है और अब इसको मैं थाली में पलट देती हूँ। देखिए कितना अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसको देखिए। देखिए मेरा कितना कुरकुरा गट्टा बना है, देखिए आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा से खस्ता टूट जा रहा है। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे तरीके से आप लोग गट्टा बनाइए और घर पे ट्राई कीजिए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलती हूँ, धन्यवाद दोस्तों।